नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अपनी शादी के बाद तेजस्वी यादव अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे आज निकलेंगे, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टी हर तरफ से नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और उनका मानना है कि आखिर ये पैसा वेस्ट हो रहा है, समाज सुधार यात्रा की जरूरत नहीं है, व्यवस्था सुधार यात्रा की जरूरत है और नीतीश कुमार बिहार की व्यवस्था को सुधारे, ना कि समाज सुधार यात्रा के नाम पर अपना टाइम वेस्ट करे और जनता का पैसा वेस्ट करे। हम आपको बता दें कि ट्विटर पर जो तेजस्वी यादव आए दिन एक्टिव रहते थे, अपनी शादी के बाद वो एक्टिव नहीं दिख रहे थे, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं, जो जनता है, जो विपक्षी के समर्थक है, उनका इंतजार था, वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब तेजस्वी यादव एक ट्वीट करेंगे। तो मैं आपको बता दें कि बहुत दिनों बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और सबसे पहले अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एज 16 वर्ष तेजस्वी यादव बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण है कि उनका 16 वर्षों का सत्ता, उनके सत्ता का जो काल है, जो वर्ष है, उसके बारे में तेजस्वी यादव ने बयां किया है। और हम आपको बता दें कि क्या कुछ लिखे हैं तेजस्वी यादव अपने इस ट्विटर पोस्ट में, सुनिए जरा। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है, 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है, मानिए आपका सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। आपने देखा कि ट्वीट में सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपका तो सिस्टम ही पूर्णतः ध्वस्त है। और हम आपको बता दे कि बिहार की राजनीति है, लोग एक दूसरे से जलते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं, हम आपको बता दे कि तेजस्वी यादव इधर सोच रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार इतना वोट खुद के तरफ कर लेंगे और ये उनका फीडबैक कहलाएगा, महिलाओं से वे फीडबैक लेते हैं। जिसके बाद हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि वो भी बेरोजगारी रैली निकालेंगे। हालांकि ये अभी तक आगे बात नहीं आई है कि कब डेट फिक्स है, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी रैली निकालेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पास होती है या फिर तेजस्वी यादव की बेरोजगारी रैली। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।